नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांग और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Asus Zenfone Max M1 का अनबॉक्सिंग। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ये एक बजट स्मार्टफोन है और इसकी प्राइस है 7,499 रुपये। बॉक्स के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, यहाँ पर फ़ोन के स्पेक्स लिखे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसे खोल देते हैं। अंदर एक सिम ट्रे इजेक्टर पिन है और अंदर आपको यूजर गाइड्स मिल जाएंगे। ये रहा Zenfone Max M1। फोन को हम बाद में देखते हैं, पहले बॉक्स में देख लेते हैं और क्या मिलता है। अंदर है एक चार्जर और यूएसबी केबल। जो यूएसबी केबल है वो माइक्रो यूएसबी है और जो चार्जर है वो है 5 वोल्ट 2 एम्प का। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है। पीछे की जो बैक है वो है पॉलीकार्बोनेट। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये आता है 5.45 इंच के HD प्लस डिस्प्ले के साथ, जिसका एस्पेक्ट रेशो है 18:9 और इसके ऊपर लगा हुआ है 2.5D का कर्व्ड ग्लास। फ्रंट में आपको मिल जाएगा एक 8MP का सेल्फी कैमरा जो पोर्ट्रेट मोड और ब्यूटी मोड सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा LED फ्लैश के साथ आता है। इसमें आपको फेस अनलॉक फीचर्स भी मिल जाएगा। फ़ोन के पीछे देखें तो एक 13MP का कैमरा है जो पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट करता है। कैमरा के नीचे है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। बॉटम में देखें तो यहाँ पर है माइक्रो USB पोर्ट, एक लाउड स्पीकर और एक माइक्रोफोन। टॉप पर है एक 3.5mm का जैक। राइट साइड पर है पावर और वॉल्यूम कीज। लेफ्ट पर है एक सिम ट्रे जिसमें आप ड्यूअल सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। एक माइक्रोफोन भी मिल जाएगा। इस फ़ोन में ड्यूअल वोल्टी का सपोर्ट नहीं है, यानी आप इसमें एक साथ एक ही 4G सिम चला सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट अलग से दिया हुआ है। जो स्टोरेज है उसको आप एक्सपांड कर सकते हैं 256GB तक। साथ में आपको 100GB का गूगल ड्राइव फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलता है। ये चलता है एंड्रॉयड 8.0 ओरियो पर, जिसके ऊपर है Zen UI का इंटरफेस। अगर हम स्पेक्स की बात करें तो इसमें आता है Qualcomm का Snapdragon 430 octa-core प्रोसेसर और साथ में है 3GB रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। इसमें आती है 4000mAh की बैटरी जो रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है, यानी कि इस फोन को आप पावर बैंक की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये था Zenfone Max M1 का अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।